पंचतत्व में विलीन हुए पूर्व मुखिया सुदर्शन चंद्रपाल, हजारों लोगों ने अंतिम दर्शन को पहुंचे। उनके आवास बेटे ने दी मुखाग्नि। पूर्व मुखिया सुदर्शन चंद्रपाल का पार्थिव शरीर शनिवार को 12:30 बजे उनके पैतृक आवास आजमनगर के पाल टोला लाया गया, जहां सुदर्शन चंद्रपाल का पार्थिव शरीर को एम्बुलेंस के द्वारा सिलीगुड़ी से उनके आवास लाया गया। जिस एम्बुलेंस में पार्थिव शरीर लाया गया, उसके साथ उनकी पत्नी नीलेश्वरी पाल व भतीजा श्रवण पाल, दिलीप पाल, दामाद अनिल पंडित थे। पार्थिव शरीर जैसे ही पालटोला आवास पहुंचा, माहौल शोकाकुल हो उठा। आपको बता दें कि उनकी दो पुत्री व एक पुत्र सहित परिवार के सभी सदस्य पार्थिव शरीर से लिपटकर रोने लगे। पार्थिव शरीर जैसे ही गांव पहुंचा, वहां मौजूद जनसैलाब सुदर्शन चंद्रपाल के अंतिम दर्शन के लिए उमड़ पड़ा। गांव के साथ साथ जिले एवं प्रखंड के अन्य पंचायतों से भी लोगों का आजमनगर पालटोला गाँव आना लगा रहा। आजमनगर के महानंदा नदी तट पर अंतिम संस्कार किया गया। बेटा भास्कर पाल ने उन्हें मुखाग्नि दी। स्वर्गीय सुदर्शन चंद्रपाल को गांव के महानंदा तट पर अंतिम संस्कार किया गया। वहीं पूर्व मुखिया सुदर्शन चंद्रपाल अमर रहे के नारे से गूंज उठे। वहीं यूथ कांग्रेस के राष्ट्रीय सचिव तौकीर आलम, पूर्व जिला अध्यक्ष इसरत परवीन, समाज सेवी शाह फैसल, पूर्व मुखिया अक्षय कुमार सिंह, जिला पार्षद सुबान टोपीवाला, मुखिया इख्तियार आलम, प्रमुख प्रतिनिधि मतीन अंसारी, पूर्व प्रमुख प्रतिनिधि संजय गुप्ता, पैक्स अध्यक्ष जयदेव प्रसाद लाल आदि बड़ी संख्या में लोगों ने कहा कि पाल एक सच्चे समाज सेवी थे जिसे खो दिया है। दिवंगत आत्मा की शांति के लिए ईश्वर से प्रार्थना की। पाल के निधन से समाज को बड़ी क्षति हुई है। ईश्वर दुख की घड़ी में परिवार को सहन शक्ति प्रदान करे। उनकी अंतिम यात्रा प्रखंड के पालटोला आवास से 2:00 बजे निकली। काफी संख्या में सभी वर्ग के लोग आजमनगर महानंदा घाट तक साथ गए और अंतिम संस्कार किया गया। बहुत बड़ी क्षति है हमारे समाज के लिए, खास तौर पर आजमनगर के लोगों के लिए, और बहुत सामाजिक जीवन उनका मजलूबों के लिए, गरीबों के लिए रहा था, और वो उनके लिए हमेशा उनके हक अधिकार के लिए लड़ते रहते थे। तो हम लोग बहुत अच्छे, उनसे हमारा परिचय था, आना जाना था। उनका असमय चले जाना हम पूरे समाज के लिए, हम लोगों के लिए बहुत ही दुखद अभी समय है ये। हम उनके परिवार के लिए ऊपर वाले से प्रार्थना करते हैं कि उनको ऊपर वाले शक्ति दे, इस दुख की परिस्थिति में उनको झेलने की शक्ति दे। बस सुदर्शन चंद्रपाल जी सबसे पहले 2001 से 2005 तक मुखिया रहे, और आजमगढ़ पंचायत के लिए जो उन्होंने काम किया है उसको कोई भुला नहीं सकता है। आजमगढ़ गरीबों के लिए, दलितों के लिए, मजलूमों के लिए जो उन्होंने काम किया है ये बहुत ही सराहनीय है। हम उनकी प्रशंसा करते हैं। उनका असामयिक हमलों के बीच से चला जाना एक बहुत बड़ी अपुण्य क्षति है, जिसका भरपाई करना अभी तत्काल संभव नहीं है। फिर आगे कौन सामने आता है तभी ये खाई हम लोग भर सकते हैं। हम लोगों के लिए बहुत बड़ी क्षति है ये। सुदर्शन भाई एक सकारात्मक व्यक्ति थे, और मैं उनको बहुत दिनों से हम लोग एक परिचित हैं, एक समाज सेवी के रूप में, एक कार्यकर्ता के रूप में। आजमनगर की सरजमीन पे एक ऐसा चेहरा थे जो लगातार लोगों के बीच रह के जन समस्याओं को लेकर उठाते थे, और मेरा बहुत अच्छा उनसे एक लगाव था। खास करके चुनाव, पिछले चुनाव के बाद से लेकर लगातार हम लोगों का, चूँकि वो राजद में भी आए थे, गठबंधन में भी थे, हम लोग लगातार बीच में पटना में से ले कटिहार हर जगह मुलाकात होती है। हर जगह सबसे इम्पोर्टेंट बात कि जो सकारात्मक व्यक्ति होता है, जो पॉजिटिवनेस उनके अंदर था, वो कमाल का था। तो आज हमें काफ़ी दुख है, उनका अंतिम यात्रा पे पहुँचे हैं। हम उनको भावभीनी श्रद्धांजलि देते हैं और कामना करते हैं कि उनकी आत्मा को शांति मिले।